हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने SBI योनो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन किया है, वह ट्रांजैक्शन फेल हो गया या फिर पेंडिंग शो कर रहा है, परंतु आपके खाते से तो पैसे जो है डेबिट हो गए हो, तो उसकी हम जो है SBI योनो में किस तरह से जो है कंप्लेन करके और अपने पैसे जो है वापस मंगवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम जो है इसकी SBI योनो ऐप में किस तरह से जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हो गई हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वो वीडियो में बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी जो है इसमें कंप्लेन दर्ज करें। इसके लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ। कंप्लेन करने के लिए आपके पास फ़ोन में जो भी आपने योनो ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, सबसे पहले आपको योनो ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें लॉगिन होकर आपने अगर MPIN सेट कर रखा है तो MPIN, या फिर आपने जो भी यूज़र ID वगैरह सेट कर रखा है तो आपको इसमें यूज़र ID डाल के, और सबसे पहले जो है SBI योनो की ऐप में सबसे पहले हमारे को लॉगिन हो जाना। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में जो तीन एरो मार्क बने हुए हैं, यानी तीन लाइन दी हुई है, इन 3 लाइन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। जैसे मैं 3 लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते इसमें कई ऑप्शन जो है शो हो जाएंगे। तो अभी हमारे को इसमें कंप्लेन करने के लिए जो सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है गेट इन टच का, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते इसमें कई ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे रेज ए कंप्लेन, ट्रेक ए कंप्लेन। तो अगर आपने पहले से इसमें कंप्लेन कर रखी है तो आप ट्रेक ए कंप्लेन के ऑप्शन पर जाके और अपनी कंप्लेन को ट्रेक कर सकते हो। अगर आप पहली बार इसमें कंप्लेन कर रहे हो तो रेज ए कंप्लेन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह का पेज आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल के शो हो जाएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रेज रिक्वेस्ट ऑब्लिक कंप्लेन टाइप, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेज रिक्वेस्ट ऑब्लिक कंप्लेन, इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें रेज कंप्लेन ऑफ रिक्वेस्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको भी मैंने जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने जिस भी प्रकार से आपका पेमेंट जो है फेल हुआ है वो ऑप्शन हमारे को इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इनमें से इन सभी ऑप्शनों की इसमें जो है जाके SBI योनो के द्वारा कंप्लेंट कर सकते हो। तो मेरा जो है पेमेंट से रिलेटेड है, तो मैं जो इसमें डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है उसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया और इसको सबमिट कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसेस किया, इसके बाद में नेक्स्ट पेज खुल के इस तरह का शो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो इंटर जो है अकाउंट नंबर और जो कैप्चा दिया हुआ कैप्चा डाल के और सेंड OTP, यानी हमारे को सबसे पहले इसमें जो हमारा अकाउंट नंबर है SBI का वो हमारे को डालना है, कैप्चा जो कैप्चा का बॉक्स बना हुआ है उसमें कैप्चा हमारे को एंटर कर देना है, और नीचे जो सेंड OTP का ऑप्शन है इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं करूँगा, हमारे जो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID है उसके ऊपर एक OTP आ जाएगी। तो OTP हमारे को जो इंटर OTP का बॉक्स है इसमें डाल के और वैलिडेट OTP का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। अगर आपके पास OTP किसी कारणवश नहीं आती है तो रीसेंड OTP का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो मैंने इसमें OTP डाल दी है और जो वैलिडेट OTP का ऑप्शन दिया हुआ है वैलिडेट OTP के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वैलिडेट OTP के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही जो नेक्स्ट पेज है इस तरह का मेरे सामने एक जो है फॉर्म सा खुल के आ जाएगा। तो अभी हमारे को इसमें जो है इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि कस्टमर टाइप, तो कस्टमर टाइप में इसमें एग्जिटिंग SBI कस्टमर ये ऑलरेडी जो है सेलेक्ट है, वही हमारे को रहने देना है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें कुछ होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रांच कोड कार्ड इश्यूंग ब्रांच, यानी ब्रांच कोड जो हमारा अकाउंट है उसकी ब्रांच कोड हमारे को इसमें एंटर कर देनी है। अगर आपको ब्रांच कोड का पता नहीं है तो जो ब्रांच लोकेटर का ऑप्शन है उसको हमारे को क्लिक कर देना है और हमारे को इसमें कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है हमारी ब्रांच कोड का, ऑटोमेटिक जो है हमारी ब्रांच कोड शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कैटेगरी ऑफ कंप्लेन ऑब्लिक रिक्वेस्ट, तो हमारे को इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपकी योनो से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो योनो, या SBI लाइट का तो लाइट, इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग, NACH है तो वो, SBI भीम से रिलेटेड है तो वो, ATM से रिलेटेड है तो ATM, यानी जिससे भी आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो हमारे को ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लेना है। चाहे कोई भी, ये जो जितने ऑप्शन दे रखा है इनमें से हमारे को कोई ना कोई ऑप्शन पैसे ट्रांसफ़र करने वाला इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसमें जो है मैंने पैसे योनो से ट्रांसफ़र किए हैं मान लो, तो मैंने इसमें योनो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में प्रोडक्ट एंड सर्विस का ऑप्शन है, इसको भी हमारे को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई बिल पेमेंट है तो बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई फंड ट्रांसफ़र किया है तो फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। तो मान लो मैं इसमें जो फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपका कोई बिल है तो आप बिल भी कर सकते हो। इसके बाद में नेचर ऑफ कंप्लेन ऑब्लिक रिक्वेस्ट, तो इसमें दो ऑप्शन है,
अकाउंट डेबिटेड बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी, यानी हमारे खाते से तो पैसे डेबिट हो गए परंतु जिसके पास भेजना चाह रहे थे पैसे उसके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फंड ट्रांसफर फेलिंग, अगर आपका फंड ट्रांसफर जो फेल हुआ है तो सेकंड वाला, अगर आपके खाते से पैसे डेबिट हो गए जिसके पास भेजना चाह रहे हो वहां पैसे नहीं पहुंचे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारे को इसमें सेलेक्ट कर लेना था, तो मैंने इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी आपका जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ है या पेंडिंग हुआ है वो कितना रुपए थे, तो वो अमाउंट इसमें 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी आप रुपए भेजने की कोशिश कर रहे थे वो हमारे को इसमें अमाउंट डाल के डाल देना है। इसके बाद में है ट्रांजेक्शन आईडी, तो आपकी जो है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाके और वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आईडी मिल जाएगी, तो वो ट्रांजेक्शन आईडी हमारे को यहाँ इंटर कर देनी है। इसके बाद में है ट्रांजेक्शन डेट, यानी ट्रांजेक्शन की जो डेट थी वो हमारे को इसमें डेट वाले ऑप्शन में वो इंटर कर देनी है। इसके बाद में है प्लीज़ गिव ब्रीफ डिटेल ऑफ योर कंप्लेन ऑब्लिक रिक्वेस्ट मैक्सिमम 500 करेक्टर, तो इसमें हमारे को जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हमारे को 500 तक करेक्टर तक हम जो है अपनी जो भी कंप्लेन है उसको हमारे को इसमें एंटर कर देना है, यानी इसमें आपको जो है ब्रीफली इसमें लिख देना है, और ये सब करने के बाद में जो सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे को सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो है किसी भी प्रकार का कोई भी क्यूरी हो तो हम जो है SBI बैंक के रिगार्डिंग, तो इस तरह से हम योनो SBI में जाके और उसको जो है यहाँ पर डाल के और उसको हल कर सकते हैं। आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है कुछ नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जितनी हो सके आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।